एजीपीसी के नए प्रधान गोविंद सिंह लौंगोवाल का सिख जत्थेबंदियों की ओर से विरोध शुरू हो गया है। पटियाला दौरे के दौरान यूनाइटेड सिख पार्टी के सदस्यों की ओर से लौंगोवाल को काली झंडियां दिखाकर विरोध जताया गया। विरोध कर रहे सदस्यों का कहना था कि जिस व्यक्ति को अकाल तख्त साहिब ने तनखाइया करार दिया हो, उसको सिखों की संस्था का प्रधान बना दिया गया, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। एजीपीसी का प्रधान उस शख्स को लगाया गया जिन्हां दा धर्म नाल कोई वाह वास्ता नहीं, जेड़े सिर्फ 25-30 सालों तो एक सियासी पार्टी के नुमाइंदे ने MLA भी रह चुके ने, ते उन्हां नूं 7 महीने पहला ही अकाल तख्त साहिब वालों तनखाइया करार दिता गया सी, ते वो बंदे नूं किवें एजीपीसी का प्रधान लाया जा सकता है। इस करके इत्थे साडा विरोध है, जे इत्थों लंघणगे असीं बिल्कुल उन्हां दे काफले नूं भी रोकांगे, असीं बिल्कुल उन्हां नूं जिहड़ा प्रधान दा जिहड़ा उहदे ते बिल्कुल प्रवानगी करांगे। पूरी सिख कौम के अंदर, सिख जगत के अंदर रोस की लहर फैल गई है। इत्थे भी सानूं प्रशासन वल्लों बार बार धमकियां दित्तियां जा रहियां ने गिरफ्तार करन दीआं, कुछ साडे बंदे ने पुलिस वल्लों वो भी रोके गए ने पिछे, पर असीं बिल्कुल नहीं डरांगे, इस गल दा डट के विरोध करांगे।